हाय फ्रेंड्स, मैं गीता सक्सेना फिर आपके साथ हूँ अपने चैनल कुक विद गीता में। आज मैं आपको उबले आलू की सब्जी बताने जा रही हूँ। इस तरह से आप बनाएंगे तो रोज बना के खाएंगे। तो चलिए मैं गैस से रखती हूँ और कढ़ाई में डालती हूँ ऑयल। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका। अब मैं गैस करती हूँ धीमी और उसमें डालती हूँ प्याज और लहसुन। ये देखिए प्याज और लहसुन दोनों एक साथ काट लिया। अब मैं डालती हूँ इसमें ये और इसको अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से आप आलू सब्जी बनाइए। उबाल के आलू बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। ये देखिए प्याज मरी बन चुकी है। अब मैं डालती हूँ टमाटर। टमाटर को जल्दी गलाने के लिए इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब मैं डालती हूँ इसमें मिर्च। टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब मैं डालती हूँ इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर। अपने हिसाब से आप डालिए मिर्च जैसा आप खाते हो, और थोड़ा सा गरम मसाला साथ में। अब इस मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ। इसे पानी बिल्कुल नहीं डालना, इसको सूखा से ही भूनना। बहुत ही जल्दी भूनता, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए कितने जल्दी हमारा मसाला भून गया, इसका तेल अलग हो गया। अब मैं डालती हूँ आलू जो कि मैंने पहले से उबाल के और हाथ से फोड़ के रख लिए हैं। इनको काटना नहीं चाकू से, इसको इस तरह से फोड़ना। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से फोड़ना। ये देखिए आलू है, इसको लेके इस तरह से इसको चाकू से नहीं काटना। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। इस तरह से आलू मैंने फोड़ लिए। अब इस सब्जी को अच्छे से भूनना है करीब 5 से 7 मिनट तक। इसको भूनना है तभी इसमें टेस्ट आएगा। ये देखिए अब मैं डालती हूँ धनिया। अब हमारी सब्जी तैयार है। इस तरह से आप उबले आलू की सब्जी बनाइए। 5 मिनट सब्जी बनती, बहुत ही टेस्टी बनती, बहुत ही अच्छी लगती। देखिए इतनी अच्छी लग रही है। इस तरह आलू उबाल के आप भी सब्जी बनाइए और बनाइए और दोस्तों को खिलाइए, फ्रेंड्स को खिलाइए। और प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।